हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। आज का ये वीडियो किसी भी कलाकार को टारगेट करके नहीं बनाया है मैंने, बस मेरा उद्देश्य है कि सुपरस्टारों के साथ साथ पब्लिक को भी जागरूक करना, ताकि हमारी भोजपुरी की छवि बच पाए। इसलिए वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। गाना चोरी विवाद भोजपुरी इंडस्ट्री में वर्षों से चलता रहा है और इससे भोजपुरी का कोई भी ऐसा सिंगर नहीं है जो अभी तक बच पाया है। किसी का नाम इसमें कम बदनाम है तो किसी का ज्यादा। इस इंडस्ट्री में अभी दो ही सुपरस्टार हैं, एक पवन सिंह तो दूसरे खेसारी यादव। इनके कई सारे उपनाम भी हैं, जैसे पावर स्टार, ट्रेंडिंग स्टार, ग्लोबल स्टार, जो भी है। अब इतने बड़े बड़े जनता से मिली हुई उपाधियों को इन लोगों को बचा के रखना चाहिए। खैर, पवन सिंह का गाना चोरी विवाद में नाम बहुत कम आता है क्योंकि वो एक गाने कम लाते हैं, और कई बार एक दो बार गाना चोरी विवाद में नाम उनका आया भी तो वो लाइव आके जनता को बताए भी। पर खेसारी यादव महीने में 4 या 5 बार इस विवाद में फंसते ही है। चलिए, पहले तो गाना केवल कॉपी होते थे, अब कॉपी करके गाया जाता है और दूसरे सिंगर के गाने को डिलीट करवा दिया जाता है। करता चाहे कोई भी होगा, राइटर, कंपनी ओनर या फिर सिंगर, लेकिन बदनाम केवल और केवल सिंगर ही होता है। तो जहां तक मुझे लगता है कि अब ये सब बंद होना चाहिए। जब आप नए सिंगर रहते हैं तो समझ में आता है गाना चोरी करना, पर एक सुपरस्टार को कहीं से भी ये सब शोभा नहीं दे रहा है। कहीं ना कहीं आपके बढ़ते स्टारडम की छवि को इससे नुकसान हो सकता है। सबसे बड़ी बात कि पब्लिक को भी थोड़ा जागरूक होने की जरूरत है। कोई जरूरी नहीं कि हर रोज हर सिंगर के गाने आए। रोज रोज गाने आने के कारण ही भोजपुरी में जो क्वालिटी होती थी पहले के गानों में, वो अब खत्म होने की कगार पे है और खत्म होती जा रही है। तो कम आए पर यूनिक आए, क्योंकि किसी भी इंडस्ट्री में यार इतने गाने नहीं आते जितने कि आजकल गाने भोजपुरी इंडस्ट्री में आ रहे हैं। इससे गाना चोरी भी कम होगा और ऐसे जो भी चोर राइटर्स, नए नए राइटर या पुराने जो भी है, उनकी औकात का भी पता चल जाएगा। दूसरी बात कि जितने भी चोरी के गाने आ रहे हैं उसे आप लोग बायकट करो, देखो मत, तभी ये हरकतें बंद हो पाएगी। और कहीं ना कहीं ये हो भी रहा है, आप रिसेंटली चोरी के गानों के व्यूज़ देख सकते हैं। तो प्लीज़ आप लोग जो भी बड़े कलाकार और राइटर हैं, वो लोग तो इन सब हरकतों से एकदम से बंद करें अगर भोजपुरी का विकास चाहते हैं तो। आपकी क्या राय है कमेंट कीजिए, और ऐसी ही खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें।